दोस्तों आज के टाइम पे साइंस और टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, पर आज भी इस दुनिया में ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज मौजूद हैं जिन्हें साइंस भी नहीं सुलझा पाया है। साल 2003 में चिली के अटाकामा डेजर्ट में 6 इंच लंबा एक अजीब सा स्केलेटन पाया गया। यह देखने में किसी बहुत ही छोटे कद के इंसान का लग रहा था, पर वहां के लोगों का मानना था कि ये स्केलेटन किसी एलियन जीव का हो सकता है। जब इस स्केलेटन का टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये हजारों साल पुराना है और इंसानी डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके बनाया गया है, जिसे हजारों साल पहले एलियंस ने बनाया होगा। आपको तो पता ही होगा कि हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्टों ने इस पर बहुत रिसर्च किया और इसे सॉल्व करने की कोशिश की, पर उन्हें आज तक नहीं पता चला कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और यह विज्ञान के लिए एक रहस्य बन गया। चीन में एक यांगसी नामक गांव है जो अपने एक विचित्र कारण के लिए फेमस है। इस गांव की खासियत ये है कि यहां रहने वाले लगभग सभी लोग बौने ही होते हैं, इसलिए इस गांव को लोग बौनों का गांव भी कहते हैं। पर इस गांव में इतने बौने क्यों होते हैं, ये आज तक मिस्ट्री है। साल 1518 में रोमन शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे लोगों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया, और इस रसमय बीमारी को आज तक नहीं समझा जा सका। करीब 400 लोग जो एक रोमन शासित शहर में रहते थे, वे अचानक ही नाचना शुरू कर दिए, जो करीब एक महीने तक नाचते रहे। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन्हें रोक ना पाए। इन लोगों में से अधिकतर लोगों की थकान, हार्ट अटैक और खून की नसें फट जाने के कारण मौत हो गई। पर ये बीमारी कैसे आई थी, ये आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। 15th सेंचुरी में एक बुक लिखी गई जिसमें 240 पेज मौजूद है, और इस बुक का नाम वोइनिक मैन्यूस्क्रिप्ट है। पर इसमें अजीब बात यह है कि इस बुक को लिखने में जिस लैंग्वेज का यूज किया गया है वो असल में इस दुनिया का है ही नहीं। इस किताब के बारे में लोगों का मानना है कि इसे किसी एलियन ने लिखा होगा, चाहे जो भी हो, पर यह साइंटिस्टों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। साल 1854 में इंग्लैंड में रहने वाली जो गिरार्ड डेली ने एक अलग ही तरह से आग का खेल दिखाना शुरू किया। इस खेल को लोग बहुत ही पसंद करने लगे। इस खेल में जो एक गरम लाल दहकता हुआ लोहे का टुकड़ा निकल जाती थी, पर इसके बावजूद उनको कोई भी नुकसान नहीं होता था। यहाँ तक कि वे दहकते हुए धातु के टुकड़े जैसे चाकू, तलवार अपने शरीर से टच करके मोड़ देती थी, और इन्हें अपने जीभ पर भी टच करती थी, पर वो कभी भी नहीं जली और ना ही उसे किसी तरह का नुकसान हुआ। वैसे सारे लोग इसे उनकी चालाकी मानते थे, पर आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि आखिर वो ऐसे करती कैसे थी।